नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह बड़ी खबर। आपको बता दें, देश को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप की सप्लाई शुरू हो गई है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट लैब से आज सुबह करीब 4:30 बजे कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप रवाना कर दी गई है। पहला ट्रक एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है। आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सुबह 4:30 बजे के आसपास पहला ट्रक वहां से रवाना हुआ। यहां से आपको हम बता दें कि विमान के जरिए वैक्सीन सरकार के स्टोरेज डिपो तक पहुंचाई जाएगी। तो देश को पहली वैक्सीन की सप्लाई भी शुरू हो गई है। आपके स्क्रीन पर वैक्सीन सप्लाई की तस्वीरें हम दिखाते हैं जो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से हो रही है। कल ही केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन के 1,10,00,000 डोज की खरीद का ऑर्डर SII को दिया था, जिसके बाद आज सुबह 4:30 बजे ये सप्लाई शुरू कर दी गई। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक सरकार को वैक्सीन की हर डोज 200 रुपए में दी जा रही है। सुबह 4:30 बजे जब वैक्सीन की सप्लाई शुरू हुई तब पुणे एयरपोर्ट पर आज तक संवाददाता पंकज खेलकर भी मौजूद थे। देखिए उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जो पहला कंसाइनमेंट है कोरोना वैक्सीन का कोविशील्ड, वो निकल रहा है। जो बड़े बड़े कंटेनर ट्रक्स है, रेफ्रिजरेटर ट्रक्स है, वो ये कंसाइनमेंट पहले पुणे एयरपोर्ट लेके जाने वाले हैं। तो जो जानकारी आज तक को मिल रही है कि ये जो बड़े से रेफ्रिजरेटर कंटेनर ट्रक्स है, जो कि अत्याधुनिक है, GPS से फिटेड है और पुलिस इसकी सुरक्षा इसको दी गई है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो बड़े ट्रक्स है वो ये वैक्सीन आने वाले समय में पहले तो पुणे एयरपोर्ट हवाई के मार्ग से पुणे एयरपोर्ट के द्वारा देश के अनेक राज्यों में पहुंचाए जाएंगे, बड़े शहरों में उतारे जाएंगे और साथ ही साथ जो अन्य जो ट्रक्स है वो देश के जो 3 राज्यों में पहले फेज में वैक्सीन पहुंचाने का काम करेंगे। तो आने वाले 16 तारीख को ये वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स को देने का काम शुरू हो जाएगा। कैमरन गोपाल हरने और समीर शेख के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। नए साल में दुनिया भर में भारत की वैक्सीन पावर का डंका बजने जा रहा है। इसकी शुरुआत 16 जनवरी से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विस्तार से बताया कि कैसे दुनिया नए सुपर पावर की दस्तक सुनने वाली है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सड़कों पर दौड़ते ये ट्रक कोरोना के खिलाफ भारत के वो महारथी हैं जिनके बलबूते ही भारत वैक्सीन की सुपर पावर बनेगा। साथियों, भारत जो करने वाला है उसे दुनिया के अनेक देश फिर फॉलो करेंगे। जिस तरह से देश के डॉक्टर और मेडिकल कर्मचारी कोरोना से लड़ने में फ्रंट फुट पर है, देश भर में वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है, इसी तरह कोरोना को भगाने में ट्रक बहुत काम आने वाले हैं। इसीलिए इन्हें कड़े सुरक्षा घेरे में रखा जाए। ये ट्रक कैसे इंडिया की वैक्सीन पावर से जुड़े हैं, उसे जानने से पहले आपको पीएम मोदी को सुनना होगा, जिन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद देश को संबोधित किया। कि भारत में कोरोना का संक्रमण वैसा नहीं है और न ही वैसा फैला है जैसा दुनिया के अन्य देशों में हमने देखा है। जितनी घबराहट और चिंता 7-8 महीने पहले देशवासियों में थी, अब लोग उससे बाहर निकल चुके हैं। ये अच्छी स्थिति है, लेकिन केयरलेस ना हो जाए ये भी हमें चिंता करनी है। देश के आत्मविश्वास की वजह ये वैक्सीन है जिसे बनाने में भारत को महारत हासिल है, क्योंकि हम दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाले देश हैं। भारत ने कम वक्त में वैक्सीन बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने कम वक्त में वैक्सीन बनाकर ही रिकॉर्ड नहीं बनाया है, बल्कि भारत की वैक्सीन सबसे सस्ती है। कि हमारी दोनों वैक्सीन्स दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता
तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। क्रेडिट स्विस के अध्ययन के अनुसार भारत को 1.66 अरब खुराकों की जरूरत है, लेकिन भारत की क्षमता इससे कहीं ज्यादा 2.4 खरब डोज बनाने की है। 5 कंपनियां अरबिंदो फार्मा, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट कैडिला और बायोलॉजिकल ई वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। इस तरह भारत के पास मांग से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध है। पुणे में 6 तरह के खास ट्रक सीरम इंस्टीट्यूट के लिए निकले थे, जहां इनमें वैक्सीन बॉटल लोड करके देश भर में भेजी जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आज तक पर है कि ये वो ट्रक्स है, ये वो जो कूल चेन ट्रक्स है जो वैक्सीन पूरे देश भर में ले जाने वाले हैं। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि 400 ऐसे ट्रक्स है, वातानुकूलित यानी एयर कंडीशन ट्रक्स है, बहुत ही खासम खास ट्रक्स है जो सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के लिए होते हैं। वो ट्रक्स यहाँ से यानी पुणे से निकलेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। कोरोना पर वैक्सीन बनाकर भारत पहली बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है। अब बारी लोगों को वैक्सीन लगाने की है, जिसकी शुरुआत फ्रंट लाइन वर्करों से होगी और उनके लिए वैक्सीन बिल्कुल फ्री होगी। फ्रंट लाइन वर्करों के बाद 50 साल से ज्यादा और बीमारों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी, जिसके लिए सरकार कोविन नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने जा रही है, जो आने वाले दिनों में अहम भूमिका निभाने वाला है। सरकार की योजना अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की खुराक देने की है, जिसके लिए सरकार को असंभव सा लगने वाला काम करना होगा। SBI रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए हर दिन 13 लाख लोगों को टीका लगाना होगा। चीन को छोड़कर और किसी देश में इतने ज्यादा लोगों को एक दिन वैक्सीन नहीं दी गई। दावा है कि चीन ने 2 दिन में करीब 45 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई। अमेरिका में हर दिन 5,37,000 और ब्रिटेन 4,72,000 लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। तो भारत के सामने चुनौती कड़ी है, जिसे पूरा करने के लिए सरकारी सिस्टम के अलावा वैक्सीन को पहुंचाने वाले ऐसे फ्रंट लाइन वर्करों को भी दिन रात काम करना होगा, तभी दुनिया भारत की वैक्सीन पावर को मानेगी। कोरोना के टीकाकरण का अभियान तो 16 जनवरी से शुरू होगा, मगर इस टीकाकरण के रास्ते में पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। आपको वो चुनौतियां बताते हैं जिनसे पार पाकर देश कोरोना को जड़ से समाप्त कर देगा। कोरोना ने इस खूबसूरत दुनिया को कफस बना दिया था, ऐसा कफस जहां लाखों लोगों की सांसें गलों में दफन हो गई, ऐसा कफस जिसने देश को बेबस बना दिया था, बेचारा बना दिया था, बेसहारा बना दिया था, मजबूर बना दिया था, अपनों को अपनों से दूर बना दिया था। मगर उस बिलखते हुए समय के संताप में उम्मीद का दिया जलता रहा, भरोसा बना रहा कि कोरोना के दिए जख्मों पर कभी तो मरहम लगेगा, इस धधकती हुई उदासी को कभी तो खत्म होना होगा, और देखिए वो तारीख हमारे सामने है। मगर इस महाटीकाकरण के आगे चुनौतियों का पूरा आकाश है, इतना आसान भी नहीं है पहाड़ जैसी चुनौतियों को काट कर महामारी को खत्म करना और फिर से प्रवास करना खुशियों के आकाश में। भारत ने वैसे तो 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है, लेकिन वैक्सीनेशन में अहम वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड है, जिसकी 2 डोज 4 हफ्ते के अंतराल में लगेंगी। यानी पहले चरण में वैक्सीन की 60 करोड़ डोज की जरूरत होगी। सीरम के पास अभी 5 से 7 करोड़ डोज का स्टॉक है और जुलाई तक वो 50 करोड़ डोज और बनाएगा। इसमें दूसरे देशों को भी सप्लाई करने का कमिटमेंट जुड़ा हुआ है। आप सोचिए कि ब्रिटेन जैसे देश में वैक्सीन की कमी की आशंका के चलते ज्यादा से ज्यादा लोगों को 2 डोज की जगह वैक्सीन के सिर्फ 1 डोज दी जा रही है, तब भारत जैसे बड़े देश में ज्यादातर लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है। भारत ने दोनों वैक्सीन को यही देखकर अप्रूव भी किया था कि इन दोनों वैक्सीन का रखरखाव आसान है, इन्हें 2 से 8 डिग्री के तापमान में सामान्य फ्रीज में भी रखा जा सकता है, लेकिन वैक्सीन की डिलीवरी में कोल्ड चेन पॉइंट अहम है। भारत में करीब 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं और इनमें आधे से ज्यादा कोल्ड चेन पॉइंट्स और 40% उपकरण सिर्फ 6 राज्यों में है, बाकी जगहों पर अतिरिक्त तो उपकरणों की जरूरत होगी और ये बड़ी चुनौती है। अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता
तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। टीकाकरण का एक अहम पक्ष इस पर आने वाला खर्च भी है। वैक्सीन की न्यूनतम लागत 2 डोज के लिए करीब 400 रुपए होगी। 2021 तक 30 करोड़ और 2022 तक 80 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। करीब 35,000 करोड़ रुपए टीकाकरण पर खर्च होंगे, जबकि भारत का कुल स्वास्थ्य बजट ही 69,000 करोड़ है। इसके अलावा औसतन 150 रुपए प्रशासनिक व्यय के रूप में हर टीके पर आंका गया है। ये कहना मुश्किल है कि राज्य सरकारें टीकाकरण पर खर्च करेंगी। वैक्सीन की तासीर को देखते हुए टीकाकरण केंद्र भी बनाने होंगे। अगर 80 करोड़ लोगों को ये टीका दिया जाना है तो देश में करीब 1.5 लाख टीकाकरण केंद्रों की आवश्यकता होगी। अभी एक सरकारी टीकाकरण केंद्र पर प्रतिदिन 100 टीके लगाने की योजना है। वैक्सीनेशन में एक बड़ी चुनौती ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग की भी है। वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया ऐप और पोर्टल के जरिए की जा रही है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं है। ड्राई रन में कई दूर दराज के इलाकों में नेटवर्क और इंटरनेट की दिक्कतें आती रही हैं और आएंगी ही, क्योंकि भारत में कुल मिलाकर सिर्फ 36% इलाके तक ही इंटरनेट की पहुंच है। वैक्सीनेशन में ये बड़ी चुनौती आगे हो सकती है। वैक्सीन को लेकर अलग अलग तरह की अफवाहें हैं। इन अफवाहों का असर वैक्सीनेशन पर ना पड़े तो बेहतर होगा। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इप्स और बट से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक सारथी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के चुनौतियों में वैक्सीन पर हो रही राजनीति भी एक है। वैक्सीनेशन में ये सियासत भारी न पड़े तो अच्छा है। तैयारी पूरी है, उम्मीद कीजिए कि इन चुनौतियों से पार पाकर देश कोरोना को खत्म करेगा। आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।